जल्दी से आना फिर, ठीक है। इतना गंदा घर हो रखा है ना, उफ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारी छुट्टी खत्म हो चुकी है, मतलब हमारी, मेरी नहीं, नीरज की छुट्टी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं वापस वहीं पे जहाँ पर हम लोग रहते थे। तो ये सभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। तो ये रूम को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी मैं, क्योंकि दिस इज़ माई फेवरेट रूम, इसलिए। तो यह सफ़र स्टार्ट करते हैं, बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है आज हमारा। तो यहाँ पे मम्मी ने हमारे लिए खाना भी बना दिया है, राइस और चना, और कल के मोमोज भी है, फ्राई कर दिया है। उसको क्या बोले, खाना ही बोले, लंच तो क्या ही। हाँ, दूर जाना है तो इसलिए। तो अभी खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, पेट में डाल लेते हैं। सही बात है। तो अभी एंड मौके में याद आया कि अदरक भी ले जाना है। वैसे तो दुकान से मिल जाता है, पर हमारे यहाँ पे देखो, जब घर में है तो दुकान की क्या जरूरत है। वही, क्योंकि मैं जब चाय पीती हूँ तो मुझे अदरक पसंद है चाय में, तो इसलिए। हाँ देखो अदरक, ओ बाप रे, अदरक अदरक, ये देखो, वाह भाई वाह, घर का अदरक। ये किसने लगाया पापा अदरक? ये मैंने और आपकी मम्मी ने लगाया था। अच्छा, ओहो, चलो भाई बढ़िया है। तो सामान वगैरह भी हमने कल ही सेट कर लिया था गाड़ी में। होम प्लान मतलब नया घर का प्लान जो है, अब फटाफट। हाँ जी, उसका तो प्लॉट का तो अभी खा रहे हैं, प्लॉट का मिठाई हो गया। तो अब लड्डू जो है, अपने नए घर का लड्डू जल्दी से जल्दी हमें हमें खाने को मिले। सही बात है। बेटे बहू की विदाई हो रही है और हर जो है इनको टीका लगा करके मुंह मीठा करा रही है। चलो भाई, जल्दी से आना फिर, ठीक है। अब हम लोग भी उधर दो जाने, मम्मी लोग भी इधर दो जाने, व्लॉग बनाते रहना। ऐसा है, मम्मी जो है अब वो कंटिन्यू रखेंगे तो हम भी कंटिन्यू रहेंगे। मम्मी के ऊपर छोड़ दिया है, कोई नहीं, कंटिन्यू रहेंगे। चलो दोनों साथ, दोनों साथ साथ, साथ साथ सही बात है। प्यार प्यार जहाँ प्यार है वहाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक भी रहती है, ठीक है, है ना, नोकझोंक होना जरूरी है। हाँ चलो भाई, आम आम खाने कब लगेगा ये आम? बस जून जुलाई में, ठीक है। और ये पापा 5 दिन हो गए सुखा रहे हैं कि पता नहीं सिंकी बना रहे हैं। सुनो, 5 दिन हो गए इसको, देखो तो ये उठा नहीं रहे। हाँ, इसको क्या उठा, फेंकने वाला है। चलो ठीक है, दूसरे अंबानी पापा हमारे फोन करते रहना, ठीक है। ला ला, बाय 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 पापा, बाय बाय। चलो भाई, चलो भाई निकल गए। चलो भाई, अब दोबारा चलते हैं कहाँ, दोबारा आने के लिए फिर दोबारा जाना भी तो पड़ेगा ना। सही बात है। क्यों? तो गाइस, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, उस चीज़ का जो उस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे थे। मतलब जब आते जाते हैं ना तो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव होता है। हाँ। तो हाईवे होता है, तो इसमें क्या होता है कि क्रूज़ सिस्टम है। हाँ, वो दिया है उसमें, कार में क्रूज़ है तो उसके लिए अलग से बटन दिया गया है। हाँ। उसको दबाओ और ये वाला जो राइट साइड का बटन है। हाँ। उसको नीचे करो, क्रूज़ अपने आप स्पीड, जिस स्पीड में हम चल रहे हैं ना। हाँ। वो स्पीड में कंटिन्यूस करेगा। हाँ। देखो जैसे भी मेरी टांग इधर है, क्लच नहीं दबाना, क्लच नहीं दबाना, क्लच भी नहीं दबाना, बस आपको स्टीयरिंग कंट्रोल करना है। हाँ। आपको अपना पाँव सिक्के कंट्रोल से हटा देना है और स्पीड बढ़ाना है, तो ये बटन है। हाँ, स्पीड बढ़ी, देखो 80 से ऊपर होगी स्पीड, ठीक है। अब यही बटन हम डाउन करेंगे, स्पीड कम हो जाएगी। मतलब इसमें ये सिस्टम है कि बिना क्लच दबाए भी
चल सकते हैं आज, ये क्रूज वाला ऑप्शन दे रखा है। अगर जैसे ही आप अगर एक्सीलेट करोगे तो वो फिर क्रूज हट जाएगा, वो अपना नॉर्मल होगा। हाँ, तो ये सिस्टम तब के लिए जैसे लॉन्ग जाना हो, तो जैसे पैर का सड़क दिख रही है ना। हाँ, जैसे ये लॉन्ग मतलब जो ऐसे दिख रही है हाईवे। हाँ, इस पे जाने के लिए मतलब पैर का ज्यादा यूज ना हो, सिर्फ हाथों का ऐसे स्टीयरिंग के लिए यूज हो, उसके लिए सिस्टम दिया है। मस्त है ये सिस्टम ना। अच्छा, तो ये सभी जा रहे हैं, मेरे को तो ऐसी नींद आ रही है ना रास्ते में, पूरा ऐसे ऐसे कर करके जा रही हूँ, फिर मैं सो नहीं रही क्योंकि फिर बेचारे नीरज अकेले हो जाएंगे, तो इसलिए मैं सो नहीं रही। मैंने सोचा नहीं सोते यार, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं। अभी वैसे तो हम नाश्ता करके आए थे ना, मम्मी ने खाना ही बना दिया था, मतलब पूरा नाश्ता और खाना एक साथ ही करते हैं। हाँ, तो खाना वैसे खाया था, पर अभी थोड़ा थोड़ा भूख लगने लग गया है, तो जैसे कुछ रास्ते में मिलता है तो फिर कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। कैसा एक्साइटमेंट है फिर जाने की? भाई वो तो हर वेकेशन के बाद कैसा होता है। हाँ, अब जैसे सिटीज के लोग होते हैं तो वो तो क्या सैटरडे संडे होता है उनका, तो शॉर्ट डे होता है, सैटरडे संडे हो गया। हाँ, उसमें अब हमारा क्या होता है लंबा। हाँ, तो उसमें क्या होता है लंबा ही घर में रहते हैं, ऑफ हो जाता है पूरा। हाँ, पूरा मंथ ही हो जाता है। हाँ, तो इसलिए फिर जब जाते हैं तो लंबे समय के बाद तुम जब जाओगे अपने वापस जॉब में तो लगता है कि थोड़ा सा घर को छोड़ के फिर थोड़ा अलग माहौल में चल जाते ना। हाँ, अलग माहौल में चल जाते, कोई बात नहीं, जॉब भी जरूरी है भाई। नीरज को तो आदत ही है, जैसे मतलब जाना आना उनका तो कितने साल हो गए इसमें सर्विस में, तो उनको तो है ही। मुझे और टाइम कितने बार हम छुट्टी गए हैं, कितने बार घर गए फिर वापस आते हैं, और टाइम जैसा एक्साइटमेंट रहती थी ना, इस टाइम मेरे को वो एक्साइटमेंट नहीं है। नीरज का तो चलो अलग बात है, पर मेरे को मतलब ऐसा वैसा वाला मेरे मन में एक्साइटमेंट नहीं है, पता नहीं क्यों। अब वो क्या है, क्या रीज़न है वो तो मुझे नहीं पता, बट इधर तो मम्मी लोग हैं घर पे, सब लोग रहते हैं, सब लोग एक अच्छा माहौल बना रहता है तो अच्छा लगता है। पर ठीक है, अब वहाँ पे नीरज के साथ मैंने चूज़ किया है रहना, तो फिर मुझे हर चीज़ सिचुएशन हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करके रहना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बस नीरज के लिए रह रही हूँ मैं, नहीं तो हो मैं तो नाम देख सकती। तो गाइस, अभी काफ़ी दिनों बाद हम लोग घर जा रहे थे, हमारे घर पे सब्जी वगैरह होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे सब्जी फ्रूट सब कुछ ले रहे हैं। सब्जी की शॉपिंग भी हो चुकी है। कितने दिनों से यही शॉपिंग रह गई थी जो बाकी है ना। हाँ, आज वो भी कर ली, बस दिल की तमन्ना थी अब पूरी होगी। एक महीना आराम से बैठ के नौकरी करूंगा, दो तीन महीना। हाँ, तो उसके बाद फिर आ जाएंगे उठा के किया लेके। सही बात है। क्या अब तो वहाँ क्वार्टर में जाके प्रॉपर खाना टाइम टू टाइम बनाना पड़ेगा। रियली? व्हाट रियली? प्रॉपर टाइम टू टाइम किसने किया ये? पूरे घर की हालत ऐसी हो रखी है, पूरा फैला। अच्छा, हमने बिस्तर शिफ्ट कर लिया था ना। हाँ, बिस्तर इधर शिफ्ट किया था, पर हालत इज वेरी खराब घर की। अब तो ये घर को साफ करने में जाएगा दिन। आप करोगे ड्यूटी, मैं करूंगी घर की सफाई। ऐसा है ना, सफाई मतलब ऐसा सफाई नहीं है कि सेटिंग करना है। हाँ, थोड़ा बहुत झाड़ू साफ सफाई। हाँ, ये देखो इधर पूरा, ये देखो सामान इधर, यहाँ पे देखो सामान सामान। तो नीरज जी यहाँ पे कट कर रहे हैं प्याज और मैं उबालूंगी मैगी, और हम मैगी को मैगी के स्टाइल में नहीं, नूडल्स के स्टाइल में बनाएंगे। मैगी को नूडल्स के स्टाइल में खाना किसने सिखाया? अच्छा हाँ, ये जो चीजें है ना अलग अलग, मतलब जो खाने का जैसे फास्ट फूड का नूडल्स का, मेगा जी भाई हमारी बहुत ही बढ़िया बनाती, क्योंकि लास्ट टाइम हम गए थे तो उसने सबसे पहले नूडल ही बनाया था ना। नूडल ऐसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन जो मेरे को ना रेस्टोरेंट और जो उधर होता है ना उससे अच्छा घर का ही लगता है। हाँ, क्योंकि जो घर का जो नूडल का टेस्ट आता है ना, जैसे सोया सॉस वगैरह ना, इसका ना मिक्सचर एकदम ओरिजिनल टेस्ट आता है वो। हाँ, तो हमारे पास नूडल्स तो नहीं है, मैगी था, और मेरे को आजकल नूडल्स से ज़्यादा ना मैगी वाला अच्छा लगने लग गया। अब खाना बनाने की तो हिम्मत नहीं है मेरी, तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं सोच ही रही थी कि कुछ बना ही लेती हूँ, सब्जी वगैरह हम लेके आए थे, तो नीरज ने बोला कि नहीं खाना रहने दो, मैगी खा लेते हैं अभी, कल से प्रॉपर खाना। और मेन तो इतना गंदा घर हो रखा है ना, उफ, जमीन की हालत देखो आप पूरी, ये किचन में ही नहीं हर जगह पे ऐसी हालत हो रही है। तो आज का दिन तो मैं कर नहीं सकती साफ सफाई, ना खाएंगे उसके बाद रेस्ट करेंगे, कल सुबह से
मेरा पूरा रूटीन ये रहेगा, पूरा घर मैं साफ करूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या क्या रहता है। तो अभी फिलहाल तो हम अभी बनाते हैं मैगी। पूरा काट दो ना, काट दो पूरा काट दो। क्या बात है, बल्ले बल्ले बल्ले। हमारा खाना भी रेडी है आज का, आज का डिनर डिनर हमारा बहुत मजे कर लिए घर पे, ससुराल में, मायके में। एक सा एक खाना बनता था, एक सा एक खाना खाया। अब हाँ, जैसे मैंने ही खाया है ना। अरे आप और मैं दोनों को बात कर रही हूँ मैं। अच्छा हाँ, मतलब हम दोनों नहीं। अब मेन चीज है कि ये बस आज का ही है, आज क्योंकि थक गए थे इसलिए आज के लिए है। कल से प्रॉपर खाना बनेगा। ओके बिल्कुल जी, प्रॉपर एकदम। यस बस चलो चलो, आओ जाओ जाओ जाओ। अब तुम ऐसा करो, जाओ कहाँ जाओ, तो जाओ पड़ोस में जाओ मिलो उनसे, इतने दिनों बाद आए हो, मिलना मुलना नहीं है। ऐसा करो आप भी दोस्तों से मिल के आओ, मुझे देगा। नहीं ये तो ड्यूटी नहीं आज मेरी, आज और कल छुट्टी है मेरी। तो मेरी भी अभी दोस्तों से छुट्टी है। कैसे छुट्टी है, तुम तो आ गई हो, मिलने के लिए बोला है। इतना है तुम्हें याद कर रहे होंगे यार। मैं तो अभी बाद में खा के जाऊंगी, आपको क्या यहां पर। अच्छा खा के जाओगे, ज्यादा मत बोल। कैसा है, बढ़िया एकदम सही। किसने बनाया, हम दोनों ने, हम दोनों ने मिल के। मैगी तो लगिन रहा है, है ना। इसका लुक देखिए, बिल्कुल भी मैगी की तरह नहीं लग रहा है। हम दोनों की मेहनत है, पर खा के ले रहे हैं। चलो खा खा, खत्म हो जाएगा। तो गाइज हमने खा भी लिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि इतनी भयंकर नींद आ रही है पूरे रास्ते पर। आज मैं सो के भी नहीं आई हूँ, पर आज यहाँ पे आने के बाद बहुत ही ज्यादा सुना सुना लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था हम दोनों को बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा था, पर ठीक है अब धीरे धीरे आदत हो ही जाएगी। तो ये ब्लॉग खत्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देने से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।